एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर में स्थित सदनपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 33 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने चमन सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1275 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 592 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 115 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। मैं ग्राम प्रधान सदनपुर सरकार ने जो धन दिया है उसका सदुपयोग करा और हमें सीसी की बहुत समस्या है, सड़क हो गई ना, खेलने का मैदान है ना, पंचायत घर है, और भी धन दें तो उसका सदुपयोग कर लेना। प्रधानमंत्री जी से, योगी नाथ जी से हमारी विनती है जो विशेष तौर से ध्यान दें।